तो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं डिजाइन ऑफ सिंपल मशीन एलिमेंट्स यूनिट टू डिजाइन ऑफ सिंपल मशीन पार्ट्स, और आज का जो हमारा टॉपिक है डिजाइन ऑफ आर्म ऑफ पुली, डिजाइन ऑफ आर्म ऑफ पुली है। तो जो पुली है वो पावर ट्रांसमिशन का काम करता है एक सेफ्ट से दूसरे सेफ्ट में, और उस पुली के साथ में जो पुली एक ट्रांसफर करेगा तो उसके साथ में हमको बेल्ट का यूज करना पड़ेगा। तो बेल्ट का टाइप जो है वो फ्लैट बेल्ट भी हो सकता है और वी बेल्ट भी हो सकता है, या रोप रस्सी का भी यूज कर सकते हैं दो पुली के थ्रू जो है सो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, पुली जो है वो जनरली कास्ट आयरन से बना हुआ रहता है और उसका कारण है कि थोड़ा सा ये सस्ता है, कास्ट आयरन सस्ता है। ऐसे कास्ट आयरन के यूज से फ्रिक्शनल लॉसेज जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि फ्रिक्शन कास्ट आयरन में अधिक होती है, लेकिन वहीं अगर हम स्टेनलेस स्टील का यूज करेंगे और भारी भी हो जाता है कास्ट आयरन का जो भारी भी रहता है जो पुली रहता है, वहीं अगर स्टेनलेस स्टील का अगर हम यूज करेंगे तो वो हल्का तो होता है, फ्रिक्शन भी कम होता है उसमें, लेकिन वियरिंग एक्शन उसमें ज्यादा अधिक होता है। तो जनरली जो पुली का यूज करेंगे हम लोग और हैवी लोडेड लोड या फिर पावर ट्रांसमिशन के लिए, तो वहां पे जो है सो बहुत सारे जगह पे कास्ट आयरन का यूज रहता है। ठीक है, तो इसीलिए जनरली हम लोग जो है सो पुली को कास्ट आयरन से निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है पुली में उसको रिम कहते हैं। ये रिम जो है वो अपने जगह पे है थ्रो स्पोक या जिसको आर्म कहते हैं, ये जो पोर्शन है ये हमारा आर्म है, इस आर्म के वजह से ही रिम का ये पोजीशन है, रिम का ये पोजीशन है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग जो है डिजाइन ऑफ आर्म पढ़ेंगे, मतलब कि ये पोर्शन जो है हमारा, ये पोर्शन जो है ये आर्म वाला पोर्शन है उसका डिजाइन पढ़ेंगे। और इसके डिजाइन को पढ़ने का उद्देश्य ये है कि जब हम लोग कास्टिंग करते हैं मोल्ड जब होते रहता है तो श्रिंकेज अलाउंस के कारण जो है सो इसमें स्ट्रेस डेवलप्ड हो जाता है। अगर ये, और ये आर्म स्ट्रेट भी रह सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है, तो स्ट्रेट जो आर्म रहेगा वो तो टूट जाएगा लेकिन कर्व में जो है सो इलोंगेशन होगा, तो इलोंगेशन होगा तो उसको फेल्योर ही माना जाएगा, उसे फेल्योर ही माना जाएगा। तो जो कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन का जो बना हुआ ये पुली है, ये जब मोल्डिंग होगा तो उसमें श्रिंकेज अलाउंस के कारण, मतलब वो ठंडा होने के बाद वो उसमें सिकुड़न होगा, सिकुड़न होने के कारण उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा, खिंचाव होगा, तो ये ज्यादा स्ट्रेस कंसंट्रेटेड एरिया है आर्म हमारा। और इसीलिए आज जो है सो हम इस आर्म का ही जो है जो पुली का आर्म है उसके डिजाइन प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है पुली के बारे में वो ये है कि 200 mm से 600 mm अगर डायमीटर है पुली का तो वहां पे जो ये आर्म की संख्या है नंबर्स ऑफ आर्म वो फोर आर्म रहेंगे। इसको आप देख भी सकते हैं 200 mm के ऊपर यानी 20 सेंटीमीटर के ऊपर और 40 सेंटीमीटर के नीचे अगर पुली का डायमेंशन है, पुली का डायमीटर है तो वहां पे चार आर्म रहेगा। वहीं अगर 600 से 1500 mm है उसका, यानी कि 600 से ऊपर है और 1500 के नीचे है हमारा पुली का डायमीटर, वहां पे आप ये 4 arms के बदले में 6 arms को पाएंगे। इसके साथ में ही अगर यहाँ पे 200 से 600 mm के लिए 4 दिया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे 200 से कम रहे, ये जो डायमीटर है हमारा वो 200 से कम रहे, तो उस स्थिति में जो है वो यहाँ पे आर्म ना हो करके ये पूरा डिस्क रहता है, ये पूरा जो है इसमें सॉलिड रहता है, पूरा डिस्क शेप रहता है, डिस्क शेप पुली रहता है, इसमें आर्म नहीं रहता है। ये जो आर्म देख रहे हैं ये आर्म नहीं रहता, पूरा डिस्क रहता है, डिस्क तरह सॉलिड रहता है। तो ये कंडीशन किसके लिए है, तो फॉर लेस देन 200 mm से अगर छोटा, 20 सेंटीमीटर से छोटा अगर पुली का डायमीटर है तो वहां पे डिस्क शेप पुली आपको मिलेगा, अदरवाइज 400 से ज्यादा अगर डायमीटर है तभी आपको ये आर्म जो है वो पुली में मिलेंगे। तो बताया है 200 के ऊपर रहेगा, तो 200 और 600 के बीच में 4 arms
और 600 और 1500 के बीच में जो है वो 6 आर्म्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ में ही जो इसका जो आपका सेक्शन होता है, ये तो अभी स्ट्रेट दिख रहा है आपको, लेकिन ये जो शेप है इसका, शेप इसका शेप जो होता है क्रॉस सेक्शनल, ये व्यू जो है ये आपको इलिप्स, इलिप्टिकल दिखेगा, इलिप्स दिखेगा। ये कैसा दिखेगा आपको? इलिप्स दिखेगा। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका, आर्म का क्रॉस सेक्शन, वो कैसा है? इलिप्स है, इलिप्स व्यू, इलिप्टिकल है इसका, ठीक है। तो जो डिजाइन, जो क्रॉस सेक्शन में हम लोग डिजाइन देखेंगे, तो उसमें ये व्यू जो है, ये जो क्रॉस सेक्शन है वो इलिप्टिकल होगा हमारा, इलिप्स, इलिप्स होगा हमारा, ठीक है। इसके साथ में जो क्रॉस सेक्शन होता है आर्म्स का, वो इलिप्टिकल होता है, जिसमें कि मेजर एक्सिस, इलिप्स में एक मेजर एक्सिस होगा, जैसे कि यहाँ से यहाँ ये मेजर एक्सिस है और इधर माइनर एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के बीच में ये रिलेशन है कि मेजर एक्सिस जो है वो दुगुना होता है माइनर एक्सिस के। मेजर एक्सिस क्या होता है? माइनर एक्सिस के दुगुना होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो आपका पुली का आर्म है वो एक कैंटिलीवर की तरफ बिहेव करता है, कैंटिलीवर की तरफ बिहेव करता है। कैंटिलीवर एक एंड पे फिक्स रहता है और उस पर फिर लोड अप्लाई कर सकते हैं। तो जो फिक्सेड इन हम लोग मानते हैं, फिक्सेड इन जो है ये हब जो है, यहाँ पे बीच में जो हब है जिसमें सेफ्ट पावर ट्रांसमिशन के लिए जो सेफ्ट, सेफ्ट जहाँ से जाएगा इस बीच में, तो उसको हम लोग ये, इसको हब इंड जो रहता है, ये आर्म जो हब इंड से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग फिक्सेड इंड ऑफ द कैंटिलीवर मानते हैं। और यहाँ पे जो रिम इंड है, जो दूसरा इंड आर्म का रिम से अटैच्ड है, उसको हम लोग जो है, सो कैंटिलीवर का दूसरा इंड जहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये पोर्शन जो है, यहाँ पे रिम वाला ये लोड अप्लाई वाला है, और ये जो है कैंटिलीवर का ये फिक्सेड इंड जो हब है, ये बीच से जो है सेफ्ट हमारा जाएगा, ये की दिखाया हुआ है, ये की दिखाया हुआ है, ये पोर्शन की है, ठीक है। और ये आर्म है, ये साइड व्यू है इसका, ठीक है। तो यहाँ से सेफ्ट गया हुआ है, तो ये रिम वाला इंड जो है आर्म का, ये रिम वाला इंड, ये जो है यहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा है, और ये इंड जो है इसको कैंटिलीवर मानते हुए, इसको फिक्स इंड जो हब से अटैच है उसको मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कैंटिलीवर का लेंथ है, यानी कि ये जो आर्म है उसका लेंथ है, वो कितने के बराबर है? तो जो पुली का रेडियस है, पुली के रेडियस, पुली के रेडियस के इक्विवेलेंट जो है, पुली के रेडियस के इक्विवेलेंट जो है, सो हम इसका लेंथ मानते हैं, आर्म का लेंथ मानते हैं, आर्म का लेंथ मानते हैं, ठीक है। इसके साथ में एक और ऑब्जर्वेशन है कि जो पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, अब यहाँ सेफ्ट अटैच्ड है, सेफ्ट यहाँ बीच में अटैच्ड है, और उसके थ्रू इस पुली में जो है पावर जा रहा है। तो हब से, ये हब है, ये पोर्शन हब है हमारा बीच वाला जिसमें सेफ्ट है, तो हब से जो है वो रिम में या आर्म में, रिम या आर्म सेम नाम है, उसमें जो है पावर जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ आर्म है एक टाइम में, किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट में अगर हम देख रहे हैं, तो एक टाइम में सारा रिम पावर को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, उसमें से जितना नंबर ऑफ रिम है या नंबर ऑफ आर्म है, उसका हाफ नंबर ही जो है वो पावर ट्रांसमिट कर रहा है हब से आपका आर्म में, हब से रिम में, या रिम से हब में, दोनों केसेस हो सकता है, पुली का यूज दोनों जगह हो सकता है। तो जितना, जैसे 4 नंबर है, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्म 4 है, किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट में जो पावर ट्रांसमिट करेगा हब से रिम तक, हब से रिम में, वो n बाई 2, यानी कि 4 का हाफ, यानी कि 2 दो दो आर्म ही पावर को ट्रांसमिट करेगा, ऐसा अज्यूम करना है हमको, ऐसा मान के चलना, ठीक है। तो ये जो था वो बेसिक कंसेप्ट है हमारा, किसका? पुली का ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है ये हमारा पुली का, ठीक है। तो आर्म का जो है, अब हम डिजाइन प्रोसेस को देख रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ये अज्यूम करें कि टी जो है वो इस पुली के थ्रू या बेल्ट या जो भी है रोप के थ्रू जो टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है वो क्या है हमारा? टी। वो क्या है? टी है। उसके बाद जो आर है वो रेडियस ऑफ द पुली है, फ्रॉम द आउटर एज से सेंटर का डिस्टेंस जो है वो हमारा रेडियस हो गया। और एन क्या हो गया? नंबर ऑफ आर्म, जितना आर्म है वो हो गया नंबर ऑफ।
तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क को तो हम लोग टी मान लिए हैं, लोड निकाल रहे हैं यहाँ पे टेंजेंशियल लोड। तो टेंजेंशियल लोड इक्वल टू क्या आ जाएगा, टॉर्क बटा में डिस्टेंस हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये टी बाय आर जो हो गया हमारा, ये हमारा हो गया लोड, टी बाय आर क्या हो गया लोड। तो ये एक आर्म में है, एक आर्म में है, लेकिन हम लोग जस्ट अभी क्या पढ़ रहे हैं कि एक टाइम में जो पुल्ली से पावर ट्रांसमिट करता है वो एन बाय टू आर्म करता है, टोटल नंबर ऑफ आर्म का हाफ। और ये बताया है कि आपको कि जो हमारा पुल्ली के ऊपर जो रूप है या जो बेल्ट है वो फॉर एक साइड जो है वन हाफ उसका जो है टाइटनिंग रहेगा, वन हाफ जो है वो स्लैक साइड रहेगा। तो इसीलिए हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि जो इसका जो पुल्ली जो नंबर ऑफ आर्म है वो एन बाई टू आर्म जो है पावर ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये एक आर्म के कारण हो गया, टोटल आर्म कितना है एन बाई टू, टोटल जो लोड टेंशन लोड एक्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है इतना। ये क्या हो गया टू टी बाय आर एन, टू टी बाय आर एन, आर एन अलग अलग है ठीक है, एन नंबर ऑफ आर्म है ठीक है, आर रेडियस है और टी जो है वो टॉर्क है। अब हम लोग जो है सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको कैंटिलीवर मानते हुए, इसको कैंटिलीवर मानते हुए लोड हमारा जितना आया है और उसका डिस्टेंस कितना है, तो आर डिस्टेंस है। यहाँ ये फिक्सेड जो कैंटिलीवर इसको माने थे तो फिक्सेड इन कहाँ था, हब के पास में, तो हब से जो रिम का दूरी है वो कितना है आर है। जो टोटल लोड लग रहा है और जो हमारा डिस्टेंस है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो मैक्सिमम दूरी है उसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो फिक्सेड इन पे क्या हो जाएगा टू टी बाई आर एन, ये तो लोड है हमारा टोटल लोड, और जो हमारा ये हमारा जो डिस्टेंस है रिम से लेकर के फिक्सेड जो हब का सेंटर है वहां रेडियस। तो बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो हो गया वो क्या हो गया आर आर कैंसिल आउट हो गया, टू टी बाई एन हो गया, टू टी बाई एन टी टॉर्क एन नंबर ऑफ आर्म हो गया। इसके बाद सेक्शन मॉडुलस जो है, सेक्शन मॉडुलस देखिए, सेक्शन मॉडुलस जेड आई बाई वाई, ये क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन माने हम क्रॉस सेक्शन जो एज्यूम किए हैं वो कैसा एज्यूम किए हैं, इलेप्टिकल इलिप्स है, कैसा एज्यूम है इसका, इसका जो रजिस्टिंग एरिया है वो कैसा है, रजिस्टिंग एरिया कैसा है, ये रजिस्टिंग एरिया इलिप्स है। इसमें जो हमारा एक है मेजर डायमीटर, एक है माइनर डायमीटर ठीक है, और हम लोग पढ़े हैं कि मेजर डायमीटर जो है वो टू टाइम्स होगा माइनर डायमीटर, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इलिप्स का जो है सेक्शन मॉडुलस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पाई बाई 32 बी वन ए वन का स्क्वायर ठीक है, बी वन ए वन का स्क्वायर, ये सेक्शन मॉडुलस ऑफ दी, ये इस क्रॉस सेक्शन का हमारा सेक्शन मॉडुलस हो जाएगा ठीक है, इलिप्स इलिप्स इलिप्टिकल शेप क्रॉस सेक्शन रहेगा, इस केस में सेक्शन मॉडुलस ये हो गया। अब यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन है, बेंडिंग इक्वेशन जो है सिग्मा बी बाय आई एम बाय वाई, यानी कि सिग्मा बी जो बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है एम बाय जेड सेक्शन मॉडुलस। तो यहाँ पे एम की वैल्यू टू टी बाय एन रखेंगे और जेड की वैल्यू जो है पाई बाय 32 बी वन ए वन का होल स्क्वायर, यहाँ से हमको बी की वैल्यू निकल जाएगी और जो मेजर एक्सिस है हमारा ए वो चूंकि बी के दुगुना होगा तो वो हमारा वहां से ए इक्वल टू टू बी करके हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो ये जो इलेप्टिकल क्रॉस सेक्शन है इसका हमारा पुली के आर्म का, उसका डायमेंशन जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डायमेंशन को हम लोग क्या करेंगे फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पुली है हमारा, कटर है, ये कटर का पुली है यहाँ पे, और इसका डायमेंशन जो है वो 20 सेंटीमीटर से अधिक है, यानी कि इसका जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर से अधिक होने के कारण इसमें आप चार फोर नंबर ऑफ आर्म देख सकते हैं, वन टू थ्री एंड फोर, और इसके साथ में ही आप ये जो इसका क्रॉस सेक्शनल है वो इलेप्टिकल है, क्रॉस सेक्शन जो है इसका वो इलेप्टिकल है, इसको भी देख सकते हैं। यहाँ से सेफ्ट गया हुआ है जो कटर का सेफ्ट है, और ये बेल्ट के थ्रू पावर ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पे